Shut up and sit down. नेक्स्ट है 8.3 कम्युनिकेबल डिजीजेस, 8.3 संक्रामक रोग। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। अब वह रोग, वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है, उसको हम लोग संक्रामक रोग या संक्रमण रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, these diseases are caused by infection which spreads or is communicated through the medium of touch, sharing towel, handkerchiefs, etc. of the patient, air, food or water, or through sexual contact with an infected person. अब ये जो बीमारी है, इसमें आपको इन्फेक्शन कैसे होगा? जो आदमी बीमार है, अगर आप उसका टच में है, उसको टच कर रहे हैं, या वो जो टावल इस्तेमाल करता है, तौलिया इस्तेमाल करता है, आप वो कर रहे हैं, उसका रुमाल इस्तेमाल करते हैं, या तो आप वो जो यहाँ पर रह रहा है उस वातावरण में रह रहे हैं, उसके साथ झूठा खाना खा रहे हैं, वह जो पानी पी रहा है झूठा पानी पी रहे हैं, या उसके संग आपका सेक्सुअल रिलेशन है, आपका उसके संग शारीरिक संबंध है, तो उसको जो बीमारी है वह बीमारी आपको भी हो जाने की संभावना बनती है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, टाइफाइड, मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आर सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलते हैं, वो क्या क्या हैं? इन्फ्लुएंजा है, फ्लू, पोलियो है, ठीक है, टाइफाइड, मोतीझरा, मिजल्स, खसरा, मम्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फिर एड्स, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज हैं कुछ प्रकार के। नाउ 8.3.1, व्हाट कॉजेस कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये जो संक्रामक रोग हैं, इनके क्या कारण होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स एंड पैरासाइट्स। अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, संक्रामक रोग, ये बहुत ही छोटे रोगाणु द्वारा होते हैं, ठीक है, जिन्हें कीटाणु और परिजीवी कहते हैं। कीटाणु, परिजीवी। दीज जर्म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। अब ये जो रोगाणु है, ये हर जगह है, वायु में है, जल में है, फिर मिट्टी में है। When germs enter healthy body, they multiply and upset the normal functioning of the body. अब जब ये जो रोगाणु है, ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं कुछ। If a person consumes infected foods or water, the symptoms of disease may not develop immediately. अब देखिए, अब अगर कोई आदमी ऐसा खाना खाता है जो कि खराब है, ठीक है, या ऐसा पानी पीता है जो कि गंदा है, जिसमें कीटाणु है, तो तुरंत वह बीमार नहीं पड़ेगा, तुरंत लक्षण नहीं दिखेंगे। द जर्म्स टेक सम टाइम टू ग्रो इन सफिशियंट नंबर टू प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन द बॉडी। अब जो कीटाणु है, उनको समय लगता है ताकि वो काफी मात्रा में बढ़ सके शरीर के अंदर, ताकि हम लोगों को बीमारी के लक्षण दिख सके। दिस गैप ऑफ टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म इन आवर बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखिए, यह जो समय अंतराल है, गैप है, क्या चीज में? आपके शरीर में कोई खाना गया, ठीक है, और आप बीमार पड़े, तो ये जो गैप है, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। A person suffering from typhoid must have consumed food infected with typhoid germs about 2 to 3 weeks earlier, but the symptoms appear sometime afterwards. अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को typhoid बीमारी हुई है, तो वो जो infected खाना खाया होगा, जिसमें typhoid के कीटाणु होंगे, वो लगभग 2 से 3 हफ्ता पहले खाया होगा और अब वो बीमार हुआ है, ठीक है। Incubation period is different for different disease. अब अलग अलग बीमारी के लिए ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, रोगाणु का आपके शरीर के अंदर जाना और आपको बीमार करना, इसके बीच में जो समय है, इंक्यूबेशन पीरियड, वो अलग अलग है।
ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन मे रिमेन परफेक्टली हेल्दी बट इज अ करियर ऑफ द डिजीज। अब इस समय जो इंसान है वो पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है और अचानक से वो बीमार पड़ सकता है। 8.3.2 हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड। अब ये जो संक्रामक रोग होते हैं यह किस तरह से फैलते हैं। यू नो दैट जर्म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड अराउंड अस एंड दे कैन स्प्रेड थ्रू द फोर मोड्स फूड एंड वाटर एयर कॉन्टैक्ट इंसेक्ट्स। अच्छा आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर हर जगह रोगाणु है, ठीक है। अब ये जो रोगाणु है ये चार माध्यमों से फैलते हैं, फूड एंड वाटर खाना और पानी से, एयर वायु से, कॉन्टैक्ट जो लोग बीमार हैं आप उनके संपर्क में हैं तब, या इंसेक्ट्स कीटाणु से। लेट अस नाउ स्टडी इन डिटेल। अब आइए हम लोग इसको विस्तार में पढ़ते हैं। सबसे पहला फूड एंड वाटर, भोजन और जल, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑफन बीन टोल्ड टू कीप फूड एंड वाटर कवर्ड। आपको यह बार बार कहा गया होगा या प्राय कहा जाता होगा या समझाया जाता होगा कि आप अपने खाने को पानी को ढक के रखिए। कैन यू से वाई यू आर टोल्ड टू डू सो। क्या आप बता सकते हैं कि आपको ऐसा करने क्यों कहा जाता है। यस यू आर राइट, हाँ आप सही हैं। अनकवर्ड फूड एंड वाटर आर लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड विद जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीजेस। अब देखिए वह खाना या पानी जिसको हम लोग ढक के नहीं रखते हैं उसमें क्या होता है कि रोगाणु या कोई रोग वाले जो खतरे होते हैं वो उसमें आ सकते हैं और रोगों की फैलने की संभावना होती है। डू यू नो हाउ एल्स फूड एंड वाटर गेट कंटामिनेटेड। क्या आप जानते हैं कि भोजन और जल किस प्रकार दूषित होते हैं, खराब होते हैं। इट गेट कंटामिनेटेड थ्रू या निम्नलिखित कारणों के वजह से खराब होते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन सर्विंग एंड स्टोरिंग। अब जब आप खाना बना रहे हैं पकाने का तरीका, परोसने का तरीका या रखने का तरीका वो साफ सुथरा नहीं है। डर्टी हैंड्स एंड यूटेंसिल्स। अब आपके गंदे हाथ हैं जिनसे आप खाना बना रहे हैं या आपके बर्तन गंदे हैं उनसे। हाउस फ्लाइज विच ट्रांसफर जर्म्स फ्रॉम रबिश एंड गार्बेज टू फूड। अब देखिए मक्खियां जो कि कूड़े कचड़े से और गंदगी के ढेरों से आती हैं और हमारे खाने को गंदा करती हैं। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी टेकन फ्रॉम सेफ सोर्स। अब जो पीने का पानी है ये आप सुरक्षित जगह से लेंगे। वाटर विच यू गेट फ्रॉम द म्युनिसिपल टैप्स इज सेफ टू ड्रिंक। अब देखिए म्युनिसिपल टैप आपका जो पीने का पानी आपको नल से मिलता है वह सुरक्षित होता है। कैन यू टेल व्हाई। क्या बता सकते हैं ये क्यों। दिस इज बिकॉज टैप वाटर इज क्लीन्ड एंड ट्रीटेड बाई सर्टेन मेथड्स दैट किल जर्म्स बिफोर इट इज सेंट टू आवर होम्स। बट वाटर फ्रॉम वेल्स पॉन्ड्स स्ट्रीम्स एंड इवन हैंड पंप्स इज जनरली अनसेफ एंड मे कंटेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स। अब देखिए ये जो नल का पानी होता है इसको हमारे पास भेजने से पहले साफ किया जाता है, ठीक है, और इसमें जो कीटाणु है उन्हें मार दिए जाते हैं। लेकिन जो पानी हम लोग को कुआं से मिलता है, तालाबों से मिलता है, नदियों से मिलता है, तो वहां क्या होता है हैंडपंप में ये सब असुरक्षित होते हैं और इनमें वो सब कीटाणु हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। डिजीज सच एज डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड इन दिस वे। अब देखिए डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड ये सब बीमारी इस तरह से होता है अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो। एयर वायु, अब देखिए आपके आसपास का जो माहौल है, जो वायु है, वो भी आपको बीमार कर सकती है। सपोज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, कंजक्टिविटिस और मम्स, कॉफ्स एंड स्पीक्स लाउडली और स्नीजेस, व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है जो आंख में होता है, मम्स हुआ है, ठीक है, या उसको खांसी हुआ है, तो अब क्या हो रहा है कि वो जोर से बोल रहा है या छींक रहा है, तो इससे क्या होगा। यस यू आर राइट, हाँ आप सही हैं। द पेशेंट थ्रोज जर्म्स ऑफ दैट डिजीज इन टू द एयर विच एंटर आवर बॉडी वेन वी ब्रीद इन। आज जब वो व्यक्ति बात कर रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो वह उस कीटाणु को हवा में फैला रहा है और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाता है। सो वी आर लाइकली टू कैच द डिजीज।
तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। द एयर इन क्राउडेड प्लेसेस, पुअरली वेंटिलेटेड हाउस एंड सिनेमा हॉल्स इज मोर लाइकली टू कंटेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स। आप देखिए, ऐसा जगह जहां बहुत भीड़ हो, या ऐसा जगह जहां वेंटिलेशन ठीक हो नहीं हो, मतलब कम हवादार हो, या सिनेमा हॉल, ये सब जगह पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हम लोग को बीमार कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई वी शुड अवॉइड विजिटिंग क्राउडेड प्लेस वेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। इसलिए अगर हम लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज, कोई संक्रामक रोग है, तो हम लोगों को भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे वजह से दूसरे भी बीमार पड़ सकते हैं। आगे देखिए, कॉन्टैक्ट, संपर्क। अ कम्युनिकेबल डिजीज मे ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, विच मे बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, जो संक्रामक रोग है वो संपर्क से भी फैलता है। अब ये संपर्क डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रत्यक्ष संपर्क, या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स यू एक्चुअली टच अ पर्सन हु हैज अ डिजीज और हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ हिम और हर। अब देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब क्या हुआ कि जो रोगी है, जो बीमार है, आप उसको छुए हैं, आप उसके स्पर्श में हैं, ठीक है, या तो आपका उसके संग शारीरिक संबंध है। डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, मेजल्स एंड मेनिंगिटिस आर कॉज्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। अब देखिए, डिप्थेरिया, ठंड लग जाना, कॉलरा, तपेदिक, निमोनिया, मेजल्स, मेनिंजिटिस, ये सब ऐसे बीमारी हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। डिजीज लाइक हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉट्स, हर्ब्स, सिफिल्स, गोनोरिया एंड एचआईवी एड्स आर कॉज्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस बी या जेनिटल वॉट्स या हर्ब्स या सिफिल्स, गोनोरिया, एचआईवी या एड्स है, तो उस व्यक्ति के संग जब आप शारीरिक संबंध बनाएंगे, जब उसका आपका सेक्सुअल रिलेशन होगा, तो आप भी बीमार हो जाएंगे। You are said to have indirect contact with a patient when you see anything that he or she may have used, comb, towel, cup, etc. अब देखिए, indirect contact ये तब होता है कि मान लीजिए कोई रोगी है, अगर आप उसके इस्तेमाल किए हुए चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसका कंघी, तौलिया, कप, ठीक है, उसके संग झूठा खाते हैं, तो आपको बीमारी हो सकती है। For example, suppose your brother is suffering from influenza. मान लीजिए कि आपका भाई influenza नाम की बीमारी से पीड़ित है। He covers his mouth with his hands when he coughs and then shakes hand with his friend. वह खांसने के समय अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लेता है और फिर उसी हाथ से अपने फ्रेंड से हाथ मिलाता है। The disease germs are passed through direct contact from your brother to his friend. अब जो कीटाणु है, जो कि रोग पैदा कर रहे हैं, वो आपके भाई के हाथ से सीधा उसके दोस्त तक ट्रांसफर होता है, पहुंच जाता है। However, if he gives you a glass of water without washing his hand, then the germs are passed from his hand to the glass and from the glass to you. अब मान लीजिए कि वह आपको एक गिलास पानी देता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हाथ तो वो धोया नहीं, तो उसका जो हाथ का गंदगी है वो कहां जाएगा, वो ग्लास में जाएगा, फिर इस ग्लास से आप बीमार होंगे। दिस इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं। यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट डिजीजेस इनडायरेक्टली बाई टचिंग ऑब्जेक्ट इन पब्लिक प्लेस लाइक हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स एंड बसेस। आप देखिए, अस्पताल में, सिनेमा हॉल में, बस में आप बहुत सारी चीजें छूते हैं, तो हो सकता है कि वह चीज पहले कोई ऐसा व्यक्ति छुआ हो जो बीमार हो, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज? क्या आप और कुछ उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसके वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हम लोग बीमार पड़ते हैं? तो अगर सोच सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आगे देखिए, इंसेक्ट्स, कीटाणु। मेनी डिजीज आर स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, जो कीटों द्वारा होता है, कीटाणुओं द्वारा होता है। Flies and cockroaches carry germs from rubbish and garbage on their bodies and infect the food on which they sit. अब देखिए, मक्खियां होते हैं,
मच्छर होते हैं, फिर आपके चिलचट्टा होता है, कॉकरोच, ठीक है, ये सब कहाँ रहते हैं, कूड़े करकट में रहते हैं, वहां जाते हैं, तो इनके शरीर में वो गंदगी होती है, फिर वो हमारे खाने पे आके बैठ जाते हैं तो हमारा खाना गंदा हो जाता है। दिस कॉजेज डिजीज लाइक कॉलरा, अब इससे कॉलरा बीमारी होता है। मॉस्किटो बाइट्स कॉजेज मलेरिया, डेंगू एंड जापानीज एंसेफलाइटिस। अब देखिए, अगर आपको मच्छर काटता है तो आपको मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, या जापानी दिमागी बुखार हो सकता है। अब देखिए 8.3.3 प्रिवेंटिव मेजर्स, रोगों को रोकथाम के उपाय, आप कैसे रोगों को रोकेंगे, क्या करना है आपको। नाउ दैट यू हैव स्टडीड हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कैन यू थिंक ऑफ सम वेज इन विच दे कैन बी प्रिवेंटेड। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है, वो किस प्रकार फैलते हैं, तो क्या आप उससे बचने के कुछ उपाय सोच सकते हैं कि उनसे हम लोग कैसे बचे। लेट अस लिस्ट सम प्रिकॉशंस दैट शुड बी जनरली बी ऑब्जर्व, आइए हम लोग कुछ ऐसी सावधानियों की सूची बनाएं जिनका पालन हम आमतौर पर हमें करना चाहिए। द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज That is clothes, utensils should be kept separately. अब देखिए, जो आदमी बीमार है उसका जो सामान है, जो वस्तुएं वो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसके कपड़े, उसके बर्तन, ये सब हम लोग को अलग से रखना चाहिए। Keep water at home in clean covered containers. Drinking water should be boiled for 10 minutes to ensure that it becomes free of germs. Boil milk before using it. अब जो पानी हम लोग घर में पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग को बर्तन को ढक के रखना चाहिए, खुले बर्तन में नहीं रखना चाहिए। पानी जो हम लोग पीते हैं उसको हम लोग को 10 मिनट तक बॉयल कर लेना चाहिए ताकि उसमें जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाएं। साथ ही साथ दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग को उसको गर्म कर लेना चाहिए। ऑल फूड इवन लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स वेजिटेबल्स फ्रूट स्वीट्स मिल्क एक्सेट्रा शुड बी केप्ट कवर्ड, सभी प्रकार का खाना, चाहे वो बचा हुआ खाना हो, सब्जी हो, फल हो, मिठाई हो, दूध हो, सबको हम लोग को ढक के रखना चाहिए। अवॉइड ईटिंग एंड बाइंग कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट स्पेशली इफ केप्ट अनकवर्ड, बाजार में जो आपको फल मिलते हैं या सब्जियां मिलते हैं काट के वो लोग बेचते हैं वो आप ना खरीदें, खासकर तब जब वो ढका हुआ नहीं है। बहुत सारे दुकान में आप देखेंगे ढक के रखता है तो वो फिर भी आप खरीद सकते हैं, और अगर आपको खरीदना है तो आप वहां जाएं और बोलें कि आपको आपके सामने फल काट के दे वो। पांचवा, वॉश ऑल यूटेंसिल्स बिफोर यूजिंग देम फॉर स्टोरिंग फूड मिल्क और वाटर, आपके जितने भी बर्तन हैं उन सब को इस्तेमाल करने से पहले, उनमें खाना रखने से पहले, दूध रखने से पहले या पानी रखने से पहले उसको साफ कर लें। वॉश योर हैंड्स थॉरली बिफोर कुकिंग फूड बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, अब देखिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और शौचालय जाने के बाद, ठीक है, अपने हाथों को अच्छे से धोएं। कीप द हाउस एंड प्लेस ऑफ वर्क वेल वेंटिलेटेड इन ऑर्डर टू अलाउ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड एयर टू कम, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अपने घर और जहां पर आप काम करते हैं, ठीक है, वो जगह हवादार होना चाहिए ताकि उसमें धूप आ सके, हवा की पर्याप्त मात्रा अंदर आ सके। अवॉइड क्राउडेड प्लेस सच एज सिनेमा हाउसेस स्पेशली ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, अब देखिए एपिडेमिक मतलब महामारी, जब कोई एक बीमारी फैल रही हो तब आप भीड़ वाले जगह पे ना जाएं, सिनेमा देखने ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप बीमार होने का आपका चांसेस ज्यादा रहता है। Maintain personal hygiene by having regular bath, keeping nails clean and cut short, wash your hair regularly. अब देखिए, खुद को स्वस्थ रखें, साफ रखें, हर रोज नहाएं, अपने नाखूनों को काट के रखें, छोटे छोटे नाखून रखें और अपने बालों को regularly धोएं। Keep your house and surroundings clean. Do not let garbage accumulate. अपने घर को, अपने आसपास को साफ रखें, जो कूड़ा है उसको एक जगह इकट्ठा होने ना दें। See that drains are clean and covered. ये ध्यान दें कि जो नाली है वो साफ हो, वो ढका हुआ हो। See that all the doors and windows have a wire mesh to prevent entry of flies and mosquitoes.
ये ध्यान दीजिए कि जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, उसमें जाली लगी हो ताकि मक्खी और मच्छर अंदर ना आ सके। डू नॉट डेफिकेट इन ओपन, यूज अ सैनिटरी लैटरिन। रास्ते में या खुले में कहीं पर भी आप पैखाना ना करें, पेशाब ना करें, आप सैनिटरी लैटरिन का, साफ सुथरा लैटरिन का इस्तेमाल करें। डू नॉट स्पिट एनी वेयर एंड एवरी वेयर। इफ यू मस्ट कॉफ, यूज अ हैंडकरचीफ टू कवर योर नोज एंड माउथ। आप जहां तहां थूके ना, अगर आपको खांसना है तो आप एक रुमाल का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने नाकों को और अपने नाक को और मुंह को ढक सकें। ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन कंप्लीट वैक्सीनेशन आफ्टर बर्थ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मेनी डिजीज। सभी बच्चों को जन्म के बाद वैक्सीनेशन इंजेक्शन देना चाहिए ताकि उन लोगों को बहुत सारे रोगों से बचाया जा सके। इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेसन 7। अब जब लेसन 7 पढ़े हैं हमारा, इसके आगे के वीडियोस को देखे हैं, वो इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़े होंगे। रीड देम अगेन, उन्हें आप एक बार वापस से पढ़ लें।